रविवार को देवघर भी आँख पे है यार, शपथ की मैं जा रहा हूँ। रविवार को देवघर भी आँख पे है यार, शपथ की मैं जा रहा हूँ। देश में सनातन पर सवाल उठ रहा है, टीका और टिक पर बवाल मचा हुआ है। सनातन हिंदू को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोला है, इंडिया गठबंधन के नेताओं को हिंदू विरोधी बताया जा रहा है, तो लालू प्रसाद यादव मंदिर मंदिर घूमकर बीजेपी को करारा जवाब देने में जुटे हुए हैं। लालू बता रहे हैं कि हमें ना हिंदू सभ्यता से कोई एतराज है और ना ही मुस्लिम समाज से कोई परहेज है। लालू प्रसाद यादव बीजेपी के उन नेताओं को करारा जवाब देने के लिए अब देवघर जाने वाले हैं। बाबा बैजनाथ के दर्शन के साथ ही लालू यह संदेश देंगे कि जो लोग यह कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के नेता हिंदू विरोधी हैं, वो अपने चश्मा पे जो धूल पड़ी है उसे साफ करके देख लें। सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव का इशारा बीजेपी नेताओं के ऊपर है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर ये हमला है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि अभी वो मंदिर में गए थे, भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी के मौके पर दर्शन किया। इस्कॉन मंदिर से लेकर जो पटना में अलग अलग मंदिर है वहां पहुंचे थे। इस बीच लालू प्रसाद यादव ने यह भी बताया कि वो जल्द ही भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए देवघर जाने वाले हैं। हालांकि उसके पहले लालू प्रसाद यादव सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ के मंदिर पहुंचे थे, तो वहां शिवलिंग के आसपास हाथ धोने को लेकर विवाद छिड़ा था और अब लालू देवघर जाकर विधिवत पूजा अर्चना करना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि संडे को यानी रविवार को वो पटना से रांची के लिए प्रस्थान करेंगे झारखंड के लिए, और देवघर में सोमवार को बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन करेंगे, जलाभिषेक करेंगे। लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी मौजूद रहेंगी। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव जब से ऑपरेशन कराकर वापस लौटे हैं, शरीर में लालू प्रसाद यादव को जैसे जैसे जो है स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, वैसे वैसे लालू मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। लालू प्रसाद यादव अमूमन अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और ऐसे में लालू प्रसाद यादव को मालूम है कि देश की सियासत में बीजेपी आरएसएस ने जिस तरीके से सियासत को इंडिया गठबंधन को हिंदू विरोधी घोषित करने में लगी हुई है, इसका जवाब तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो देने में विफल हुए। ऐसे में लालू प्रसाद यादव अब मंदिरों में खुद पहुंचकर माथा टेक कर तिलक लगाकर उन नेताओं की बोलती बंद करने वाले हैं जो सनातन धर्म पर सवाल उठा रहे हैं और जो सनातन धर्म के सहारे सियासत कर रहे हैं। लालू उन सबको जवाब देने में जुटे हुए हैं। लालू जब सोमवार को देवघर पहुंचेंगे, बाबा बैजनाथ के दर्शन करेंगे, जलाभिषेक करेंगे, तब जो तस्वीरें आएगी वो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के सेहत के लिए थोड़ी सी राहत वाली तस्वीरें होगी, क्योंकि तमाम बीजेपी के नेता इंडिया गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। लालू परिवार और लालू प्रसाद यादव की पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उन तमाम नेताओं को लालू करारा जवाब दे सकते हैं मंदिर में पूजा करके। लेकिन लालू प्रसाद यादव हाल के दिनों में जिस तरीके से मंदिरों में घूम रहे हैं, दरगाह पहुंच रहे हैं, इसका संदेश साफ है कि लालू इस बार बीजेपी को उनके मंसूबों पर खरा नहीं उतरने देंगे जो धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। लालू की यह कोशिश है, यही वजह है कि लालू बार बार ये बता रहे हैं कि वो मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे और खुद लालू पहुंच भी जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी पत्नी पग पग पर उनके साथ दिखाई दे रही है। प्रणाम करता हूँ, हम लोग के देवता हैं श्री कृष्ण, हमारे देवता हैं, इष्ट देवता हैं। अरे भैया उठना, काहे आगे बढ़ा रहे हैं, बोलने दो यार। उस मंदिर में भी गए, यहाँ इस्कॉन मंदिर में भी गए, लाखों लोग वहाँ लाइन लगा के श्री राधे कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। मैं भी प्रणाम किया, नमस्कार किया, उसके बाद तेज प्रताप
मेरे पुत्र द्वारा बांके बिहारी शिव मंदिर का स्थापना यहाँ किया गया है। यहाँ भी मैं आकर मथा टेकता हूँ और विश्व शांति प्रदान कीजिए ना। और रविवार को देवघर भी शपथ में जा रहा हूँ। सोमवार इतवार के समारोह वहाँ पूजा करेंगे जल्द में। सभी लोग हमें ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ तेज प्रताप को पूरा विजयी बनावें और तरह से निरोग रखें, शांति प्रदान करें। सर, देश के हालात को क्या कहेंगे, जिस तरीके से देश का हालात बना हुआ है उसको क्या? भारत और इंडिया का जंग छिड़ा हुआ, पीछे कर लीजिए ना, छिड़ा हुआ तो सबका निराकरण करेंगे श्री कृष्ण भगवान। परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। इंडिया ये लगकर आगे कीजिए, जो संगठन हम लोगों ने बनाया है वो बिल्कुल विजयी होगा। हमारी जीत चल चलिए तो सनातन धर्म को लेकर बात की जा रही है। सनातन धर्म में बीजेपी ढोंगी है, उसको पगलाया हुआ है बीजेपी। तो बात के बात वैसा बनाता है जिसको जो लगे, जिस देवता को कोई शोर को, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। राम को हो या रहीम को हो, शास्त्र को हो। मोहन भागवत आरक्षण पर भी बोल रहे हैं, बोले कि बहुत सारे लोगों को अभी तक आप विरोधी है। हाँ सर, गुरु गुरु होलकर ने जो लिखा है, देख रहे भैया नहीं जा रहा पैर मेरा, पंच ऑफ थॉट में, पंच ऑफ थॉट में वही मोदी कर रहे हैं, वही गुरु गुरु ये कर रहे हैं। मोहन भागवत रिजर्वेशन के खिलाफ बोला, पंच ऑफ थॉट में भी नहीं होंगे। चल धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।